हेलो एवरीवन, कम बैक टू यूट्यूब चैनल पीवन रुद्रा कॉर्नर। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं क्लास फर्स्ट के बच्चों के लिए हिंदी का हाफ ईयरली एग्जाम टेस्ट पेपर। आप बच्चों को कुछ इस तरह से प्रैक्टिस करा सकते हैं। वैसे इससे पहले भी मैंने कई सारी वर्कशीट्स क्लास वन के लिए शेयर की हैं, अगर अभी तक आपने नहीं देखी हैं तो चैनल पर जाकर ज़रूर विजिट करें और वहाँ पर देखें। बंडल ऑफ वर्कशीट्स आप देख पाएंगे, बच्चों के क्लास फर्स्ट के सारे सब्जेक्ट की आप प्रैक्टिस वहाँ पर करा पाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, शब्दों को सही मात्रा के नीचे लिखो। तो यहाँ पर मात्राएं दे रखी हैं, इन मात्राओं के नीचे इन शब्दों को लिखना है। जैसे कि बड़ा आ, बड़ा आ की मात्रा है, तो बड़ा आ की मात्रा वाले कौन से शब्द हैं वो यहाँ पर हम लिख देंगे। जैसे कि याद, याद, तो यहाँ पर बड़े आ की मात्रा है इसलिए इसको हम यहाँ लिखेंगे याद। नेक्स्ट रिम झिम, रिम छिम, तो यहाँ पर छोटी ई की मात्रा है और यहाँ पर भी छोटी ई की मात्रा है, तो हम इसको कहाँ लिखेंगे, छोटी ई की मात्रा के नीचे लिखेंगे रिम झिम, इस तरह से। नेक्स्ट इमरती, इमरती, बड़ी की मात्रा है इसको हम यहाँ लिखेंगे इमरती। नेक्स्ट है बिल, बिल में छोटी की मात्रा है तो इसको हम छोटी की मात्रा के नीचे लिख देंगे। ठीक, इस तरह नेक्स्ट करेंगे बहना, बहना, इसको हम यहाँ लिखेंगे बहना, बहना। नेक्स्ट लड़की, तो यहाँ पर बड़ी की मात्रा है इसको हम यहाँ लिखेंगे बड़ी की मात्रा के नीचे। तो इस तरह से भी बच्चों को आप मात्राएं जो हैं वो पहचान करवा सकती हैं, इस तरह से अलग अलग लिखने के लिए बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है, वर्णों को सही क्रम में लगाकर सही शब्द बनाइए। तो यहाँ पर कुछ ये शब्द दिए रखे हैं और इनको सही क्रम में लगाना है और नया शब्द बनाना है। जैसे कि पहला बनाएंगे ब र त न, क्या बन जाएगा बर त न, बर्त। अगला ट र म, क्या बनेगा म ट र, मटर। यहाँ पर अ द र क, अदरक। नेक्स्ट ग ग न, गगन। नेक्स्ट देखेंगे क प ड़े, कपड़े। अगला है ल ड़ का, लड़का। तो इस तरह की भी प्रैक्टिस आप बच्चों को ज़रूर कराएं। अगला प्रश्न है, रा में छोटा ऊ और बड़ा ऊ की मात्राएं लगाकर दो दो शब्द बनाएं। बच्चों को जो रा में जो मात्राएं हैं वो लगाना सिखाया जाता है, यूकेजी क्लास में भी सिखाया जाता है और क्लास वन में भी सिखाया जाता है। तो रा में कैसे मात्रा लगाते हैं, अक्सर बच्चे इस तरह से मात्राएँ लगा देते हैं और ये गलत होता है, इस तरह से नहीं लगाते हैं। बच्चों को हम अच्छे से प्रैक्टिस कराते हैं। तो यहाँ पर हम दो दो शब्द बनाएंगे, जैसे कि रा पर छोटे ऊ की मात्रा लगाकर दो शब्द क्या क्या बनेंगे, रुप या, रुपया। तो इस तरह से जो है मात्रा हम लगाते हैं। अगला बन जाएगा रुक, रुक, तो इस तरह से मात्रा लगाएंगे। अगला है बड़ा ऊ, तो बड़ा ऊ से रू प, तो इस तरह से एक छोटा सा ये डंडा निकाल कर और इस तरह से मात्रा लगाते हैं, बन जाएगा रू प। और अगला है रू ठ ना, रूठना। तो इस तरह से रा की जो छोटे ऊ की मात्रा है कुछ इस तरह से लगती है और बड़े ऊ की मात्रा इस तरह से लगती, एक छोटा सा डंडा और ये इस तरह से नीचे को मात्रा। तो इस तरह से बच्चों को रा में मात्रा लगाना सिखा सकते हैं और इस तरह की प्रैक्टिस करवा सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, लिंग बदलें। तो यहाँ पर बच्चों को जो भी शब्द दिए गए हैं इनके लिंग बदलकर यहाँ पर लिखना है। जैसे कि पहला है बकरा, बकरा का ब क री, माली मा लि न मालिन, शेर शेरनी, पिता माता, लड़का ल ड़ की, हाथी ह
हथिनी। अगला प्रश्न है मिलान करो, तो यहाँ पर बच्चों को कुछ गिनती दे रखी है हिंदी में। बच्चों को हिंदी में गिनती बोलना और लिखना दोनों ही तरह से आना चाहिए। क्लास वन में 1 से लेकर 30 तक क्लास वन में सिखा दी जाती है। तो इस तरह से बच्चों को कुछ मैचिंग दे सकते हैं, जैसे कि ये लिखा है हिंदी में 2, तो हिंदी में 2 कैसे लिखते हैं, ये रहा 2, 3, 4, 5, 6 और ये रहा 7। तो इस तरह से मिलान करवा सकते हैं, या फिर आप लिखने के लिए दे सकते हैं, या फिर टिक करने के लिए भी दे सकते हैं। कई सारी प्रैक्टिस वर्कशीट्स है जो इसके लिए आप करवा सकते हैं। अगला प्रश्न है सही शब्द चुनकर वाक्य पूरा करो, तो यहाँ पर कुछ शब्द दे रखे हैं, बच्चों को सही शब्द चुनना है और वाक्य पूरा करना है। जैसे कि पहला है दूध में डैश कम है चीनी या नमक, तो दूध में हम क्या डाल के पीते हैं, चीनी, तो यहाँ पर हम लिख देंगे चीनी। अगला डैश में 5 बजे हैं लकड़ी में घड़ी में, तो समय किस में हम देखते हैं, घड़ी में, तो यहाँ लिख देंगे हम घड़ी। दादी जी कहानी डैश रही हैं, तो कहानी दादी जी क्या करेंगी, सुना रही हैं या फिर बना रही हैं, तो दादी जी कहानी क्या करेंगी, सुना रही हैं, सुना रही हैं। नेक्स्ट शेर जंगल में डैश है भौंकता है दहाड़ता है, तो शेर क्या करता है, दहाड़ता है, तो यहाँ हम लिख देंगे दहाड़ता है। अगला प्रश्न है दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए, तो यहाँ पर 2 शब्द दिए गए हैं, इनसे बच्चों को वाक्य बनाने हैं। आप कोई भी शब्द बच्चों को दे सकते हैं और उनसे वाक्य बनवाने की प्रैक्टिस करवा सकते हैं। जैसे कि पहला शब्द है यहाँ पर बस, तो बस शब्द से बच्चा जो भी वाक्य बनाना चाहता है वो यहाँ पर बनाकर लिख सकता है। अपनी समझ से जो भी वो बना रहा है आप उससे वो प्रैक्टिस करवाइए। जैसे कि रमन बस पर चढ़, इस तरह से वाक्य बना सकते हैं। कहानी दादी कहानी सुना रही हैं, या फिर दादी ने बहुत ही डरावनी कहानी सुनाई, या फिर नानी ने बहुत अच्छी कहानी सुनाई, इस तरह से कोई भी बच्चे यहाँ पर वाक्य बनाकर लिख। अगला प्रश्न है सही उत्तर चुनें, तो यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दे रखे हैं बच्चों को, क्वेश्चन है पढ़ना है और उसके लिए जो भी ये ऑप्शंस दे रखे हैं करेक्ट ऑप्शन को यहाँ पर टिक करना है। जैसे कि शब्दों के सही मेल को डैश कहते हैं, शब्दों के सही मेल को क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं, शब्द कहते हैं या फिर वर्ण कहते हैं, तो शब्दों के सही मेल को हम क्या कहते हैं, वाक्य। अगला है भाषा की सबसे छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते डैश कहलाते हैं, तो भाषा की सबसे छोटी ध्वनि क्या होती है, मात्राएं, वर्ण या फिर शब्द, तो भाषा की सबसे छोटी ध्वनि होती है वर्ण, इसको हम टिक करेंगे। अगला नाम वाले शब्दों को डैश कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं, वाक्य कहते हैं या फिर संज्ञा कहते हैं, तो सही हमारा आंसर क्या है, संज्ञा। नाम वाले शब्द क्या होते हैं, संज्ञा होते हैं। अगला है भाषा के कितने रूप होते हैं, 1, 2, 3, तो भाषा के 2 रूप होते हैं, कौन कौन से, मौखिक और लिखित, बच्चों को हम ये 2 रूप बताते हैं कौन कौन से, मौखिक और लिखित। अगला प्रश्न है विलोम शब्द लिखिए, तो कुछ विलोम शब्द यहाँ पर बच्चों को लिखने हैं, अपना, तो अपना का विलोम होता है पराया, लाभ हानि मित्र शत्रु उधार नकद झूठ सच। अगला प्रश्न है चित्रों के नाम लिखें, तो यहाँ पर चित्र देखने हैं बच्चों को, पहचानने हैं और इनके नाम लिखने हैं। जैसे कि पहला चित्र है किसका है, सेब। अगला मोटर बेलन बे ल न बेलन, और अगला है पेड़ पेड़, तो इस तरह की प्रैक्टिस आप करवा सकते हैं बच्चों को।
तो ये थी आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट आपको कैसी लगी? आई होप इन्फॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल लगी हो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। साथ ही चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली जो भी वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।